अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हमने व्लॉग स्टार्ट कर लिया है काफी दिनों बाद। कल रात शुरू किया था, कल रात कल कल शाम को बनाए थे। वो ठेले डालता हूँ, व्लॉग ठेले डालता हूँ। ब्लॉग भी डाला है जो मेहमान आए थे, देखें आपके पाँव में हाथ पे तोड़ रहा है। ये बड़ा शरारत है इसको अभी। ओ नहीं, चाक पा देता है, साके भी चाक पा देता है। ये मारती तो नहीं है? मारती है। ये मारते है, वो नहीं मारते, वो नहीं मारता इसको। नहीं, वो इधर जो होती है वो नहीं मारता। अच्छा, इधर ले आओ इसको, हाथ रखवाना है, इसका तमाशा देखे। पानी पीता, वो फिर नहीं पीता पानी। इसका तमाशा देखे, वो देखो। ये बड़ा चालू है बच्चा, देखो आप। नहीं मारता नहीं है, देख रहा था वो। अब छोटी बछड़ी को इधर भी देख देता है, आप भी साथ हो। हाँ, कक्को पवा दो, कक्को साकिब को कक्को पवा दो। ये भागते हैं, बड़ा जानवर जो ना वो शरीफ होता, बड़े जानवर के साथ खेलो। अच्छा, ऐसे ऐसे करो, फिर से ऐसा हो, ऐसे करो। डरता भी है। ए, देखो ना इनको साइड पे, इनको साइड पे करना। ये देखो, इधर ले आओ ना सामने से, वो उधर छुप के खड़ी हो। बड़ा शरारती है ये बच्चा, डरता भी है। देखो भाग रही है, आप शरीफ हो गई, थक गए शरीर नहीं हो, थक गई। तू बड़ा हो जाएगा, गांव भी बड़ी हो जाएगी। फिर ये हाथ नहीं लगाने देगी साकिब को, गांव का दूध भी निकालेगा और चराएगा। ये लो सकिया, इसकी गांव हो गई। चल इसकी हंसी सुन ली, हंसी जो है ना बड़ी प्यारे लगती है मुझे। जी सबके जान है साकिब। हाँ जी, वो देखिए वो कहता फिर जाए। ये डरायक ले आओ, ज्यादा ना हंसो फिर रोएगा। अच्छा, ये मम्मा कैसे करो? दुपट्टा तो पहले आपसे नहीं होगा, वो होते ना वो कर लेते ऐसे, जैसे उधर कर रहे थे ना बछड़ी को। हाँ। ऐसे मम्मा के साथ ऐसे करो, फिर देखना। हाँ, ऐसे अम्मी के साथ। हाँ। चपक गया, चपक गया। ये दिन को बड़ा शो लगा रहा था इसने। हट जाओ सकिया। सकिया हांडी जला ना दे, खत्म कर लो ऐसे ना, अगर रुपए बन जाएगी। जला दे, पानी पी रही है और चाके पानी पी रही है। मिट्टू भू पी रही है, देखें। अच्छा, देख के आग जो आग जल रही है, भू पीने दे, पवर जलने जाएगी। चे, चे। जाके देखो, जाओ
देखे। वो देखो वो ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया। जानवरों से बड़ा प्यार है इसको। चलने का भी शौक है, मवेशियों से प्यार है, बड़ा खुश होता है इधर। इसका दो दो बातें बताऊं आपको। धन को ना हम वो लाइव पे बैठे थे, रखिया लेके आई। इसे बोले इधर नहाना है, देखे इधर नहाना है, इधर नहाना है, जाओ नहाओ। ये बोलेगा बिस्मिल्लाह, जाओ जाओ नहाओ, नहाना है। अरे अरे बांधा भाई, नहाना है तो भाई। ये एक दिन नहाया था इधर, बैठो अब ये सुगलिया मारेगा। ओए बैठो, हाँ दो दो दान। ये मेरे लिए खतरे का बहस बन सकता है, नॉट अलाउड। अच्छा ये अलाउड नहीं है दिखाना, क्योंकि दूसरे बेबी जो है ना वो भी ऐसा करने लगते। एक दिन मैंने दिखाया था, नहीं वो कपड़े उतारे, वो भी उधर नहला रही थी टप में कपड़े समय, ठीक है। तो वो भी उन्होंने नहीं कबूल किया। अब तो ये अकेला इधर पड़ा है, क्या कबूल करेंगे। ये जगह काटनी पड़ेगी। अच्छा इसकी दो बातें बता रहा था आपको, क्योंकि आप वे सुन लो, आप तो जानते हो ना। तो ये ना आज लाइव पे बैठे थे, रखिया लेके आए उधर, तो कौशल ने बोला ओ मेरी जान आ जाओ आ जाओ। फिर ऐसे कहता है नहीं 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 नहीं, बोलता है नहीं है ना। फिर दूसरी बात उसने बनाया वो दलिया, बोलते आ जा खा लो, बोलता है नहीं वो उधर आप पैर बैर आप नजर आ गए ना उसको, तो उसको बोलता है नहीं खाना। फिर ऐसे देखता है, फिर ऐसे देखता है आपको, तो वो आएंगे खिलाएंगे। आपका आदि हो गया ना अब। ये इसको ऐसे ना छोड़ो, तो ये उस दिन जो ना खांसी आ गई। जाओ बेटा पानी में नहा के कपड़े बदलो। इसको तो खुशी होगी जब ये नहाता है। नहीं नहीं आप इसको ले जाओ, गिराना नहीं थे। अच्छा इसको नहलाओ आप, मैं जो है ना नहीं इसको नहीं दिखा सकता। हाँ बस थोड़ी देर बैठना तो फिर ले जाओ, मैं लाऊ ना पानी भरती हूँ, गड्ढा को पिलाती हूँ। चलो साकेब अब घर चले, साकेब मिठू अब घर चले, हो जाओ घर जाना है। उस दिन मछली बना हुआ था, पानी थोड़ा सा ना, ये आज फूल है, चाहे फूल भी हो फिर भी ये मछली बन जाता है। अच्छा माशाल्लाह आज वो चले गए फरमान में। हाँ जी माशाल्लाह, शादी जो है कल एक शुरू होने वाली है, जागा फिर मैं एक खत्म हो जाएगी और दूसरी शुरू हो जाएगी, फिर वो खत्म होगी तीसरी शुरू होगी। वैसे ना जो चार पांच शादियां ना एक साथ ही है, इस वजह से कि मुहर्रम जो है ना अभी सुबह शुरू होगी, उधर मुहर्रम लगने वाला था ना, इसलिए उन्होंने हाँ जी सारे एक साथ रख दिए। हाँ जो भी आखिरी डहाका था ना बस वो सारे शादियाँ, क्योंकि उनके लड़कों ने बोला कि हम और महीना सुबह नहीं खा सकते, हमें जल्दी पढ़ना हो। लेकिन वो भी लड़की वाले से वजन होता है ना, ये भी जितना जल्दी हो सके बस फर्ज अदा करे आगे अल्लाह जाने। तो उधर भी एक साथ शादियाँ शुरू, इधर भी अबू बता रहे थे कि हम जो है ना कौसर और हम मैं हम दो वली में यहाँ पे भुगता सकते हैं, उसके बाद हमने जाना है। दो बल्कि तीन है, को चक वाला, हाँ चक वाला भी है, तीन खा सकते हो, बाकी एक तो बचता है, एक वली माँ अपनी अपनी प्यारी होगी, फिर पीछे हम खाएंगे। फिर उधर जाके ना उनका मेहंदी फंक्शन है 2 तारीख को और मंगल का दिन है उधर, तो उसके बाद होगा जुमरात, जुम्मा जाना नहीं बौद्ध जुमरात, फिर जुम्मा जाना उनके रवानगी बारात है।
जो माँ वो अपने बेटे को रुखसत करेंगे मेरे सासू माँ, हफ्ते जो है ना फिर हम उधर वलीमा खाएंगे, इतवार को शायद वापसी हो, क्योंकि घर के बगैर एक पाल भी नहीं रहते, अच्छा नहीं लगता बाहर इंसान। वैसे एक ज़्यादा प्रॉब्लम साके भी है, इतना गर्मी है ना बहुत ज़्यादा, फिर ना उठे कि वो दूध भी उनका नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा दिन रहे तो फिर ये मजबूरी बात है, तो सारा दिन रात दिन दूध पीता है, तो फिर उठा लगता है नहीं लगता है, क्या मतलब ये प्रॉब्लम मैं सोच रहा हूँ। हमारे पास होता है, आपके लिए तो होता ही भी नहीं है, फिर उठे न्यू बंदे को देखेगा और मच्छर जाएगा वहाँ, फिर वो दिल नहीं लगता इधर जाना, दूध भी मसला है अपना। हाँ तो अपना होता है, जितना वो पी सकते हैं बना लेता है। उधर उन्होंने बोला 15 दिन पहले आ जाओ, मैंने कहा क्या करेंगे हम बच्चे कैसे पाले। फिर वो ना इतना पंखे भी चलते हैं, रात का भी चलता है, जैसे पंखे पे सोता है डे का भी, उधर पंखे भी नहीं चलते, बस हवा अल्लाह पाक चला दे तो चला दे, नहीं तो ऐसे गर्मी में पड़े होता है, मच्छर भी बहुत ज़्यादा, जबकि थोड़ी बहुत बारिश है ना, बारिश से मच्छर वापस आ गए, बहुत ज़्यादा हो गया, तो यह मसला ना बस बच्चे के, तो शादी पे जाना है लाजमी आखिर। उधर जाके ना कुछ करेंगे दूध के लिए, उन्होंने बोला अगर वो नहीं तो मिल जाएगा बाहर से, वो भी होटल से बोले, लेकिन वो खट्टा प्रॉब्लम गर्मी ऊपर से। सज्जा आजा कोई भैंस वाला, वो जो मंच का होता है, हाँ दही वाला, वो मिक्स होता है होटल वाला के साथ मिक्स होता है, लेकिन अगर किसी कोशिश करना किसी के घर में मिल जाए ना, आधा किलो सुबह आधा शाम का, चलो गुजारा हो जाएगा, तो ये तो जब का पीने लगा तो गाय का पीने, बाकी खाना पीना तो इंशाल्लाह खिलाएंगे, दलिया वगैरह और केले जो भी, हाँ वो जो चीज खाता है वो तो मिल जाएगी, लेकिन हम पूरे घर वाले का उससे प्यार नहीं मिलेगा, अकेला हो जाएगा, तो इसलिए फिर रोना उधर दिल नहीं लगेगा, जब वापसी आएगा तो आप लोगों को भूल जाएगा। नहीं भूलेगा, देखे जब भी आएगा ना मुँह से वो गले लगाएगा। हम शादियाँ शुरू हो गई यार, उनके मसला वापस आ गया, खुशियाँ बहाल है, हम जो है ना उन सब के नाल हैं, और इंशाल्लाह सोमवार वाले दिन ना हमने यहाँ से रवाना हो जाना है यकम को, क्योंकि मेहंदी है ना उनके 2 तारीख को, एक दिन पहले भी जाना है ना, वहाँ पे जाके अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अच्छी मेहंदी की बारात आया, अच्छी अच्छी वीडियो बना के दिखाएंगे सबको, और वो पता नहीं वीडियो बनाने भी देते हैं या नहीं बनाने देते, नहीं उनको कोई मसला नहीं था, बना लेना वो नहीं रोकते, जब देखे ना शादी की डेट फिक्स की थी उस टाइम में वो दूल्हे की माँ भी और वो दूल्हा भी मेरे साथ, दूल्हा नहीं था उधर, दूल्हे की माँ थी, हाँ तो वो जरा ना वो वीडियो में आ गई। चलो अच्छी बात है, आप काम कर लें, क्योंकि मौसम जाना बड़ा प्यारा है, जानवरों साहब को पानी जो है मैं पिला दिया, और मैं वो खोते को पिलाती हूँ बाल्टी बट्ठल में उठा रख के पिला के, फिर इन्हें घास डाल दी हूँ, और उस खुरली में घास डालती हूँ, गई वो आने वाले ना जो दूध देती है, फिर वो घास खाएगी और दूध निकालेंगे, बस काम नबेड़ा करो टाइम से। इतनी हवा और आंधी आने वाली है, आपने तंदूर फिर भी चला लिया, आज फिर रोटी बनाना चाहती हो, हमें मारना चाहती हो, डेली बनती है रोटी, सुबह बनती है शाम को बनती है, कौन सा आज पहली बार बन रही है, इधर से देखो कैसे आंधी आ गई, वो चेक करो आंधी आ गई है, और वो देखे ना जो आंधी का बोर्ड है ना, वो दूर से भी देखे, वो सारे धूल धूल है सारी, अभी आंधी आई 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 रेडी हो जाओ, वो हवा से हिल रहे हैं दरख्त, क्या रेडी हो जाओ आंधी आ गई है, वो कपड़े सपड़े चालो, क्योंकि मौसम जो है ना वो आता बहुत गर्म मौसम, सही है ना, इस वजह से आज आंधी तो आनी थी, मौसम चेंज होने वाला है, अच्छा आज ना अकेले रह गए, आज ना अकेले रह गई हो, अकेले रह गई हो, बाकी सारे चले गए, अच्छा आसिफ और फरमान भाई और भाभी भाभी ये तीनों जना चले गए, इस
आज भाभी बोबिया वाले काम जाना वो सकिया साथ दे रही है। हाँ जी, सारा बन गया है, अभी मैंने आटा गूंथ के तो नहीं, ये जो आप जला रही हो अगर आंधी आई तो ये सारी आग जो है ना उड़ेगी। लेट हो रहा है, इतनी आंधी नहीं है, जल जाएगा। अच्छा, सिर वो कचरा वगैरह उड़ाने आई है। ये दारू की ना, वही तो बोल रही हूँ, ये बस आग जाके ये डाल दूंगी, ये जलते रहे। आग चलेगी तो डालोगी ना? वो जली हुई थी, आंधी आई तो खत्म। आइए सारा दिन तो नो जलाओ, मैं ना शादी की तैयारी कर लूँ। कर लो, यहाँ पे भी वली में खाने हैं, आपने भी। हाँ जी, हाँ, वो आपकी सहेली की शादी पे आप जा सकती हो। हाँ, बोल तो ऐसे रहे कि हम जा सकते हैं। जा सकते हैं हम, उस उनकी शादी ना पहले है। हाँ जी, तो उनको अलविदा कर देना, उनकी रुख्सती आपने करवानी है। बाकी जो है ना इंशाल्लाह फिर अपने सिस्टर के रुख्सती करवाना। सबकी ऐसे करवाएंगे, ऐसे ऐसे। चलो, मौसम अच्छा है, मैं जरा हवा लगवा लूँ। हाँ, वो देखो, वो हवा लगवा रहे हैं साके प्रभु। वो तो आती होगी, आप बोलते हैं ऐसे उठा के घूमो, मैं हवा लगवाता रहूँ। जब इसका खेलने का दिल करता है ना, ये बोलता है छोड़ो मुझे, मैंने खेलना है। खेल के फिर अभी उधर ना शुगर लगा रहा था। मवेशी दिखाने गए ना तो वहाँ पे हंस भी रहा था, और उसने ऐसे किया ना फिर डर गया। फिर वो नहाने वाले खुले में मर गया। उधर मैं दिखा तो नहीं सकता था, अलाउड नहीं है। बाकी इसने मजे किए। वो एक दिन नहाने वाला दिखाया, कपड़े भी पहने हुए थे, फिर भी नहीं माना। चलो, आप तो खेलने वाला बन चुका है, आप परेशान नहीं करता हमें। पहले छोटा था ना, परेशान आपको नहीं करता, वो तो हमें पता है, सारा दिन हमारे साथ होता है, हमें पता है। आराम करके तो बैठता नहीं है, पकड़ के बैठते हैं, चारपाई से गिरने लग जाता है, इधर उधर भागता है, आराम से नहीं करता। देखो, अब उठाया हुआ है फिर भी आराम नहीं कर रहा। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, सब जो है ना इसके लाड उठाते हैं। अभी देखना, इसको हाथ भी नहीं लगाने देंगे सब लोग देखने वाले। हाँ जी, माशाल्लाह बहुत प्यारा है, अल्लाह पाक लंबी जिंदगी करे, सबको प्यारा है। जो भी एक बार माशाल्लाह देखता है, मिलता है, फिर कहता है वो मिलाओ, दिखाओ हमें, बात कराए। हाँ, तो सबका बुला रहे थे जो आप ले गए थे। सबका सुना है, जो भी उठा ले। मेहमान आए हुए थे पहले, एक दिन वो मुलाकात हुई इससे, दो लड़कियां थी, तो उधर से उनका एक वाकर पड़ा था, जैसे ये साकिब का है ना ऐसे, तो ये उधर बैठ गया, तो बैठे तो वो आ गई एक लड़की, मतलब वो उधर पढ़ने जाती थी उस वक्त आई, तो इसको जब देखा ना, इसको उठा लिया, तो इसको दूध पिला रही थी, तो पानी पिला रही थी, तो जब हम घर आ रहे थे ना, तो मैंने बोला कि मुझे दे दो, कहती आप जाओ, हम नहीं देते। कितना देखे, कूला कूला बच्चा है। इसकी गैल है ऐसे ऐसे कहती आई, कहते देखो कितना कूला कूला है। ये छोटे बच्चे प्यारे होते हैं, जब ये थोड़े से बड़े होते हैं ना, शक्ल चेंज हो जाती है, हर चीज़ चेंज हो जाती है। ये हर बच्चे की माशाल्लाह किस्मत होती है, बचपन से ही जो प्यारा हो ना, वो आखिर तक प्यारा ही होता है। जैसे हमारा मुनीब है, वो बचपन से ही ऐसा लाडला है, तो अभी तक भी वही लाड करता है। चलो, शादियों का जोर शोर है, मैं गिनती कर लूँ कि हैं कितने। शादियाँ तो बस आज से शुरू हो गई, सीजन आ गया, एक साथ 10 दिनों में ना सारी शादियाँ ही शादियाँ। जिसको देखो बोलते हैं हमारे रिश्तेदारों की शादी है। मुहर्रम आने वाला था ना आगे, मुहर्रम से पहले यार बंदे ने कहा शाजा का। अच्छा, है कितने? 3-4 इधर हैं, 4 इधर हैं, 4-5 उधर हैं। अच्छा, जैसे मैंने 10 शादियां बताए थे, वे 10 हो गए? 9-10 हो गए। दो दो तीन तीन दूल्हे भी एक साथ हैं, एक साथ।
दूल्हा भी साथ है ऐसे ना। अल्लाह सबका कुट्टा कटवा रहे एक साथ। अगले साल फिर और जवान, अगले साल फिर और होंगे। ये अल्लाह सिलसिला चलता रहता है ना। अब उनके शादियां जो हम बड़े थे माशाल्लाह, वो इतने इतने से छोटे से हमारे साथ लाड करते थे, अब उनकी भी शादी है। काफी वो पता भी नहीं चला इतने। बच्चा होता है, बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बूढ़ा हो जाता है, ठेकेदारी हो जाती है। तो वो ना हम जाते हैं ना उधर अली पर, हम जैसे बच्चे को देखते हैं ना, एक साल साल बाद जाते हैं, पहचान नहीं आता, हम सोचते हैं ये कौन है। उसके साथ फिर और होता है उस तरह का, हम पहचान नहीं सकते अब उनके बच्चों को। हमारे साथ रहते थे ना, कल परसों हम एक वीडियो देख रहे थे, परसों की बात है मेरे ख्याल में, आपकी अम्मी और मैं, तो हम जहाँ हमारा घर था ना, करीब में हम सहायक थे, उनका एक बच्चा था, छोटा सा था, बिल्कुल चलता फिरता तो था लेकिन बिल्कुल छोटा सा था। हम वीडियो देख रहे थे कि बच्चा भेड़े चरा रहा था, वो सुल्तान ने वहाँ जाके वीडियो बनाई। हम सोच रहे थे ये बच्चा किसका है, फिर उसने पूछा सुल्तान ने कि आपके अबू का नाम क्या है, उसने अबू का नाम बताया। हमने हमारी अम्मी ने कहा ये वही बच्चा तो है जो हम उधर थे और छोटा सा था, मैंने कहा शायद वही होगा। फिर उसने वही बात सुल्तान ने ही दोहराई कि आपसे बड़ा है, वो कहते हैं हाँ मेरा भाई तैयब तो मुझसे बड़ा है। मैंने कहा वो हम वो छोटे को देखा था, ये छोटा पैदा भी हो गया इतना बड़ा हो गया, फिर जा रहा है। वही तो मनक समझ नहीं आती। अब चाचू अकमल के घर बैठते हैं ना, तो इतने बहुत सारे बच्चे आए होते हैं। और अब जो जिनकी शादी हो रही है, जो हसीब है दूल्हा, हाँ वो छोटा इतना सा था, वो हमारे पास आ जाता हमारे घर। आज वो देखे कुछ बड़ा हुआ, भेड़े छेड़े चराता था ऐसे, आज वो उसकी देखो ना आप जैसा लगता है, पता भी नहीं चलता। चलो अल्लाह पाक कैसे दे रहा है ना सबको। हाँ सब अल्लाह पाक की कुदरत है, ये एक सिलसिला है, पैदा होता है, बड़ा होता है, शादी होती है, बूढ़ा होता है, ये तो निज़ाम है, चलता रहता है। पर जिंदगी दौड़ रही है, जिंदगी आजकल वैसे तेज हो गई है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, दिन गुजरता है, रात गुजरती है, पता ही नहीं चलता। पहले वाला दौर बड़ा कमाल का था, जैसे जैसे तेजी आ रही है दुनिया में, बड़े आगे जा रही है दुनिया आजकल। हाँ जी, पहले बच्चे जवान होते थे 18 साल 20 साल 25 साल के जाके जवान होते थे, बच्चियाँ भी ऐसे ही जवान होती थी, आजकल 10 साल की भी बच्चियाँ जवान हैं। अल्लाह का कुदरत। चलो बहुत नज़दीक आ रही है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी भी बहुत इतनी तेजी से गुजर रही है। अल्लाह पाक बेहतरी करे सबकी इंशाल्लाह।